नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं? आशा करता हूं बहुत अच्छे होंगे और अपना बेहद ही ख्याल रख रहे होंगे। आज का वीडियो लास्ट तक जरूर देखें, आपसे रिक्वेस्ट है, क्योंकि ये है वीडियो इस साल का सबसे इम्पॉर्टेंट हॉट केक टॉपिक, और ये है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 2020 की शिक्षा नीति, राष्ट्रीय शिक्षा नीति या फिर न्यू एजुकेशन पॉलिसी या नई शिक्षा नीति। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैंने लिख दिया है और अब हम इसे हिंदी में ट्रांसलेट भी करेंगे। द न्यू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति या फिर NEP 2020 की अप्रूव्ड बाय द गवर्नमेंट, सरकार ने उसको अप्रूव कर दिया या फिर उसे मान्यता दे दी है, इज द फर्स्ट एजुकेशन पॉलिसी, ये पहली शिक्षा की नीति है ऑफ द 21st सेंचुरी, 21वीं शताब्दी की। द एम ऑफ द पॉलिसी, इस पॉलिसी का एम क्या है, लक्ष्य क्या है, उद्देश्य क्या है, इज टू ट्रांसफर द इंडियन एजुकेशन सिस्टम, भारत के शैक्षिक तंत्र को बदलने का एक उद्देश्य है एज पर द नीड्स ऑफ द 21st सेंचुरी, 21वीं शताब्दी की जरूरत के अनुसार। जो पुरानी पॉलिसीज थी, पुराना सिस्टम उसने डेवलप करा, अब उसमें चेंजेस गवर्नमेंट को लग रहे हैं, तो इसलिए नई एजुकेशन पॉलिसी आई है। इट विल ब्रिंग सम पॉजिटिव चेंजेस, ये कुछ नए सकारात्मक बदलाव लेकर आएगी इन आवर एजुकेशन सिस्टम, हमारे शिक्षा के तंत्र में। द न्यू एजुकेशन पॉलिसी फोकसेस, जो नई शिक्षा की नीति है, इसका जो फोकस है, इसका जो लक्ष्य है, ऑन ऑल इसेंशियल एस्पेक्ट्स ऑफ एजुकेशन, ये शिक्षा के सभी इंपॉर्टेंट जो पहलू हैं उन पर है, लाइक अर्ली एजुकेशन यानी कि प्राथमिक शिक्षा या फिर कह सकते हैं बेसिक एजुकेशन, और एग्जामिनेशन प्रोसीजर या फिर अभी तक जो एग्जामिनेशन का एक तरीका था, एक मेथड था, किस तरह परीक्षा ली जाए, उसके बारे में नई सोच है। अ न्यू 5+3+3+4 क्यूरिकुलर स्ट्रक्चर विल रिप्लेस द करंट 10+2 स्ट्रक्चर। अब तक हम एक सिस्टम देखते थे, वो क्या था, 10+2, 10th किया और 12th किया, अब उसको अलग अलग कैटेगराइज किया है, 5 तक की एजुकेशन अलग है, 5 क्लास तक, फिर 6-7 ईयर्स, 3 ईयर्स फिर हैं, फिर 3+4 कर दिया है, इस तरह से एजुकेशन के 4 कैटेगरीज कर दी है। द न्यू एजुकेशन पॉलिसी विल मेक द एजुकेशन सिस्टम, जो नई शिक्षा नीति है वो शिक्षा के तंत्र को क्या बनाएगी, फ्लेक्सिबल एंड मोर इंक्लूसिव, पहले से और अधिक लचीली और समावेशी। इट विल मेक अ न्यू एजुकेशनल नेशन, और इससे राष्ट्र और शैक्षिक और बेहतर होगा। दोस्तों वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें अपना सबसे पसंदीदा एजुकेशनल चैनल संजीव गोस्वामी। नमस्कार।